तो यार वो कैसे हो? तो यार आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हुआवे ओनर Y9 2019 वेरिएंट के बारे में। अब यार ये जो मोबाइल है ना यार, ये ऑनर एटेक्स को तो इसने किल कर दिया है, और अब हुआवे ने ना दूसरी कंपनीज़ को टारगेट करा है। अब जो दूसरा मोबाइल जो मतलब जिसको ये किल करने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड में। और यार ये ऑनर एटेक्स को तो किल कर चुका है। और यार अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हुआवे ओनर Y9 2019 वेरियंट में तो यार प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना यार, ये बहुत ही कमाल का मोबाइल है हुआवे की तरफ से। और यार ये जो दूसरा मोबाइल जो है ना उसको भी किल करेगा, और वो कौन सा मोबाइल है वो मैं आप लोगों को एंड में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यार वो शुरू करते हैं डिस्प्ले से। तो यार डिस्प्ले में आप लोगों को हुआवे Y9 में 6.5 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले दी जा रही है। ये एक IPS LCD पैनल है। तो यार मैं आप लोगों को बताऊं, ऑनर एटेक्स में जो डिस्प्ले दी गई है वही डिस्प्ले हमारे को इसमें भी देखने को मिलती है। और अगर आप लोग देखो तो हुआवे या ऑनर की जो भी मोबाइल होते हैं ना उनकी डिस्प्ले बहुत ही कमाल की होती है, कलर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे होते हैं हमारे को। तो यार अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। अब यार प्रोसेसर में आप लोगों को वही ऑनर एटेक्स में जो प्रोसेसर देखने को मिला है वही प्रोसेसर आप लोगों को इसमें दिया गया है, हाई सिलिकॉन का किरण 710, और इसमें आप लोगों को माली का G51 GPU दिया गया है। अब ऑनर एटेक्स में भी यही प्रोसेसर देखने को मिला है और इसमें भी हमारे को ये प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो दोनों की परफॉर्मेंस भी सेम होने वाली है। तो यार अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो यार कैमरे में वही बैक में दो सेंसर देखने को मिल रहे हैं इसमें, और एक आप लोगों को मिल रहा है 16 MP का सेंसर, और एक आप लोगों को मिल रहा है 2 MP का सेंसर जो कि आपका डेप्थ सेंसर होने वाला है। अब ऑनर एटेक्स में हमारे को 20 MP का मिला है, लेकिन इसमें हमारे को 16 MP का सेंसर मिला है। वही अगर हम लोग देखें तो यार फ्रंट में आप लोगों को मिल रहा है, फ्रंट में भी दो सेंसर मिल रहे हैं, एक है आप लोगों को 13 MP का सेंसर और एक आप लोगों को मिला 2 MP का सेंसर। तो यार मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ऑब्वियस ही बात है फ्रंट कैमरा तो अच्छा परफॉर्म करने वाला है, आप लोगों की पोर्ट्रेट मोड वाली मतलब पिक्स भी बहुत अच्छी आने वाली है। तो यार ऑनर एटेक्स मतलब फ्रंट में आप लोगों को एक कैमरा दे रहा था, लेकिन इसमें हमारे को दो सेंसर देखने को मिल रहे हैं, तो यार ऑब्वियस ही बात है ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है ऑनर एटेक्स से। तो यार अब बात करते हैं इसके OS की। तो OS में आप लोगों को एंड्रॉयड 8.1 ओरियो देखने को मिल रहा है, और इसमें आप लोगों को हुआवे का EMUI देखने को मिल रहा है 8.2, और इसमें आप लोगों को माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल रही है। अब यार अब कहा जाए तो यार Y9 2018 वेरिएंट में हमारे को भी यही देखने को मिला, तो थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था, या तो टाइप सी दे देते वो सही रहता है यार। अब इसमें वैसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है, और आप लोगों को 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल रहा है। तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो वेरिएंट की, तो वेरिएंट में आप लोगों को एक मिल रहा है 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज, और एक आप लोगों को मिल रहा है 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज, और आप लोगों को माइक्रो SD कार्ड की भी सपोर्ट मिल रही है। तो यार अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। यार मैं आप लोगों को बताऊं, बैटरी आप लोगों को ऑनर एटेक्स में जो बैटरी दी गई है ना उससे हमारे को ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। उसमें हमारे को 3750 mAh की दी गई थी ऑनर एटेक्स में, और इसमें हमारे को दी जा रही है 4000 mAh की बैटरी। अब यार देखा जाए तो यार ये 2 दिन तो आराम से निकाल ही देगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग कैसा चलाते हो मोबाइल और कितना चलाते हो मोबाइल, ये आपके ऊपर है। तो यार अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो यार इसकी जो प्राइस है ना वो है 31,000 रुपये, जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस है। और यार मैं आप लोगों को बताऊँ, प्राइस जो है ना यार इसकी ऑनर एटेक्स से तो कम ही रखी गई है, और दोनों में सेम ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, बस कैमरा बेटर है उसका। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये किसका कॉम्पिटिटर है। तो यार Xiaomi Redmi Note 6 Pro जो है ना उसका आप लोगों को कॉम्पिटिटर ये मिला है, आप लोगों को बहुत ही कमाल की स्पेसिफिकेशन भी दे रहा हूँ। और आप लोगों देखें तो यार प्रोसेसर में उनको उसमें हमारे को मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 636, और इसमें हमारे को मिल रहा है किरण का 710, और जो कि किरण का 710 है वो 660 से कम्पीट करता है स्नैपड्रैगन के। अब यार मेरा यही कहना है कि आप लोग इसको बाय करो, ये आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का मोबाइल होने वाला है। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और यार ये ऑनर एटेक्स तो किल कर ही चुका है, और रेडमी नोट 6 प्रो को भी किल कर चुका है। तो यार अब आप थोड़ा वेट करो और इस मोबाइल को आप बाय कर सकते हो, ये आपका मोबाइल बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो मैंने यार जो मैंने बोला वो कर देना यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हाँ यार 100 सब्सक्राइबर भी होगा यार, थैंक यू आप सबको बहुत बहुत, ऐसे सपोर्ट करते रहो फिर हमारी फैमिली जो है ना वो और भी बड़ी होती जाए। तो प्लीज़ यार ऐसे सपोर्ट करते रहना, और अपना ख्याल रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।